उन्होंने ये बोला कि तुम्हारा रूम अपात्र है अचानक से। मेरे को मालूम नहीं था कि मेरा रूम अपात्र है, इसके लिए मैं साइन नहीं की और बार बार धमकी दे नोटिस देते रहते हैं, खाली करो खाली करो। मेरे दो बच्चे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, एक 12वीं में पढ़ता है, एक 6th क्लास में पढ़ती है। जब भी होता तभी खटखट खटखट करते रहते, तोड़ते रहते, कोई भी आता है चार आदमी लेके धमकी देता रहता और बोलता है खाली करो खाली करो, ऐसे कैसे खाली कर, और बोलते हैं सामने से तुम्हारा रूम अपात्र, तुमको रूम कभी मिलेगा नहीं, बिल्डर के साथ में आके तुम लोग सहमति करो। लेकिन वो लोग जब भी सहमति के लिए जाते वो लोग मारने के लिए तैयार हो जाते, आदमी लेके गुंडे लोग लाके मारने के लिए आते हैं। हम लोग बताओ कैसे ऐसे जाएंगे, अपात्र रूम रहेगा तो ऐसा कैसे खाली करने का। एक बार रहने के लिए आलीशान महल नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन सच छुपाने के लिए घर होना बहुत जरूरी है। मुंबई जैसे शहर में छोटा सा झोपड़ा भी सोने के भाव के बराबर मिलता है। अगर प्रशासन गरीबों के अलावा बिल्डरों का साथ देकर वो छत भी हमसे छीन ले, आखिर जाए तो गरीब कहाँ जाए। ये सिर्फ इन लोगों की समस्या नहीं है, ये मुंबई के लाखों गरीबों की समस्या है। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि इस नंबर पे कॉल करके 2659051 या 2659045 लाखों गरीबों का घर लीगली तरीके से दिलवा कर हम सबका घर बचाए। प्लीज हमारी मदद करो। घाटकोपर पश्चिम रामनगर मुंबई से मैं जुलेखा सैयद, इंडिया अनहट के लिए।